हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटर के चारों एंगल का सम 360 होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसी भी क्वाड्रेटर का एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, इसी को हम लोग आज प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे एक क्वाड्रेटर हमारा पी क्यू आर और एस बना हुआ है। ठीक है, यहां लिखेंगे लेट पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, वर्टिसेज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। पी क्यू आर एस और इसका वर्टिसेज है और इसका इंटीरियर एंगल क्या है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, ये स्मॉल है। ठीक है, इसका इंटीरियर एंगल है पी क्यू आर एस जो स्मॉल है। ठीक है, वी नो दैट पी एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इसके बाद यहां पे एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर क्या है मेरा, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि एक इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है क्योंकि वो लीनियर पेयर होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल वन प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री, यहां लिख देंगे लीनियर पेयर। फिर एंगल टू प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी मेरा लीनियर पेयर ही हुआ। ठीक है, फिर एंगल थ्री प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी क्या है मेरा लीनियर पेयर है। ठीक है, फिर एंगल फोर प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी मेरा क्या हुआ लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर। अब क्या करते हैं, एंगल वन प्लस एंगल पी इक्वल टू 180, एंगल टू प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल थ्री प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल फोर प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम सभी को ऐड करेंगे। ठीक है, इसको नहीं होता है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, इक्वेशन फोर। ठीक है, ऐड करते हैं तो क्या होगा, एंगल वन प्लस एंगल पी प्लस एंगल टू प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल आर प्लस एंगल फोर प्लस एंगल एस इक्वल टू क्या होगा 180 प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तब क्या होगा, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू
720 डिग्री, ठीक है। ये सबका सम कितना हो गया 720 डिग्री। और इसके पहले हम लोग पढ़े हुए थे, वी नो दैट ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्या होगा, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस सबका सम कितना होगा 360 इक्वल टू 720। ये एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इक्वल टू 720 और 360 को इक्वल टू के राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा 360। तो क्या होगा, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इक्वल टू 360। तो यही होगा कि या तो क्वाड्रिलेटरल हो या ट्रायंगल हो, इसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री ही होता है। यही प्रूव करना था हम लोगों को, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन है हमारे किताब का एक, इन द एडजेसेंट फिगर, फिगर हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इन द एडजेसेंट फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट इन ए पॉइंट बी। ये ए और बी का बाइसेक्टर है जो कहाँ मिल रहा है, पॉइंट पी पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। If angle C is equal to 100 and angle D is equal to 60, find the measure of APB. हमको APB का मेजर निकालना है, ठीक है। हमारा ABCD ये क्या है, क्वाड्रिलेटर है। इसमें एंगल C का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री दिया हुआ है। एंगल D का वैल्यू क्या हुआ है, 60 डिग्री। और एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर हमको एंगल पी पे मिल रहा है, पी पे मिल रहा है वो, ठीक है। तो हमको एंगल ए पी बी का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटर का सभी एंगल का सम 360 होता है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना है, 100 डिग्री। प्लस एंगल डी का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री इक्वल टू 360। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 160 डिग्री इक्वल टू 360। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 माइनस 160। तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया, 200। अब ये पूरा एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू कितना निकल गया, 200। इसका भी हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना आ गया, 200 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एंगल ए को चुके बाइसेक्ट किया हुआ है, एंगल बी को भी बाइसेक्ट किया गया है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 एंगल ए प्लस 1/2 एंगल बी इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं हम इन ट्रायंगल ए पी बी। तो हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180। एंगल पी ए बी का मतलब क्या हुआ, 1/2 एंगल ए प्लस एंगल पी बी ए 1/2 एंगल बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180। अभी दोनों का वैल्यू कितना है, 100, यानी इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 100 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180। इसलिए एंगल ए पी
बीच करके हो गया 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री, इसका वैल्यू आ गया हमारा एंगल एपीबी का 80 डिग्री। ठीक है, चलो अब हम लोग बुक का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या है कि आपका क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इसमें तीन एंगल हमको दिया हुआ है, थ्री एंगल दिया हुआ है और एक एंगल का वैल्यू एक्स दे दिया है, तो हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल का सम 360 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको नेम भी दे देते हैं ए बी सी डी। तो यहां लिखेंगे वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो हमारे एंगल ए का वैल्यू कितना है 115 डिग्री, प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना है 70 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू कितना है 80 डिग्री, एंगल डी का वैल्यू कितना है एक्स इक्वल टू 360। तो सबको ऐड कर लेते हैं, टू हंड्रेड सिक्सटी फाइव डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 360 माइनस 265, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा 95 डिग्री हुआ। ठीक है, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 95। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है मेरा, यहाँ फिगर है, ए बी सी। ठीक है, इसमें 130 डिग्री यहाँ है, 120 डिग्री यहाँ पे x। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि या ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल है हो, इसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 130 प्लस 120 प्लस एक्स इक्वल टू 360 कितना हो जाएगा, प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 360 माइनस 200 एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी 110 एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 110 निकल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन वेयर ईच एक्सटीरियर एंगल है मेजर ऑफ 30 डिग्री। इसमें एक्सटीरियर एंगल का मेजर दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल एंगल का मेजर दिया हुआ है 30 डिग्री, हमको नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स, तो साइड्स निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, टोटल एंगल का सम बाय ईच एंगल, क्या होगा, टोटल एंगल का सम बाय ईच एंगल, ईच एंगल कितना है 30, कट गया 12, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स हो गया हमारा, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव ऑफ ईच इंटीरियर एंगल 144 डिग्री।
यहाँ पे हमारा इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स हमारा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर इंटीरियर एंगल दिया रहता है तो पहले हमको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना होता है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 में से 144 को हम माइनस करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा मेरा 36 डिग्री आ गया, मेरा एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 36 डिग्री। अब हमको साइड निकालना है, तो अभी हम पढ़ाए थे साइड क्या होता है, टोटल एंगल का सम बाई ईच एंगल, तो 360 बाई 36 ब्रादर यानी नंबर ऑफ साइड 10 हो गया, हो गया। इसको आप लोग फिर बनाइएगा, जो नहीं समझ में आएगा फिर अगला पूछिएगा आप लोग कमेंट के माध्यम से, फिर हम आगे बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।